No, Sri Prabhatja. Sri Prabhatja. Adarni Upsabhapati Mahoday. You have 10 minutes, conclude in that, according to your party allocation. Kendri Bittmantri Sri Arun Jaitley ne apne Kendri budget ke dono bhasno mein kaha tha ki meri sarkar mukhya uplabdhi mehngai par kabu pana chahti hai. Mere vichar se mehngai mein ya kami sanrachnatmak parivartan ki parlakshit karegi. Hame aasa hai ki aage chalkar is varsh ko samapti par upbhokta mul suchank mudra sphriti lagbhag 5% rahegi. Isse maudrik niti ke और महज सहज बनाया जा सकता है. मैंने 2014-15 के बजट भाषण में भी इसका वादा किया था. इस रूपरेखा में मुद्रास्फीति को 6% से नीचे रखने में लक्ष्य स्पष्ट रूप से उल्लेख है. मौद्रिक नीति समिति या गठन करने के लिए हम इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन भी करने वाले हैं. आर्थिक समीक्षा जब आई थी उसमें भी कहा गया था, उसमें महंगाई का दर 4 से 4.5% रही है. थोक मूल्यांकन सूचकांक, अभी बहन जी हमारी कह रही थी, रजनी बहन, कि नारे की सरकार थी. मैं उनको 1971 में भी एक नारा लगाया गया था, गरीबी हटाओ. क्या हट गया? सवाल यह नहीं है. महंगाई का दर्द होना और महंगाई पर राजनीति करना दोनों अलग अलग बात है. अब ये उपसभापति महोदय जी, मेरा समय नोट कर लीजिएगा. मेरा समय आप काटिएगा. डोंट डिस्टर्ब प्लीज. यस प्रोसीड. अभी आपने कहा कि महंगाई नियंत्रण के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. अगर इस सरकार ने अगर प्राथमिकता दी है, आपको बताना चाहता हूं, प्याज जब नहीं बिक रहा था, किसान तड़प रहे थे, उस समय राज्य में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सरकारी मूल्य पर प्याज खरीदने की व्यवस्था की. इतनी सस्ती प्याज हो गई थी. आप किसको कह रहे हैं? किस आलू की भाव कह रहे हैं? कौन से चावल की भाव कह रहे हैं? कौन से गेहूं की भाव कह रहे हैं? कौन से अनाज की बात कर रहे हैं? हर महंगाई को नियंत्रण करने के लिए हमारी सरकार ने पूरी कदम उठाई है और उसको समझना पड़ेगा. आप आंकड़ों के जुमलेबाजी में आप घुमाने की कोशिश मत करिए. जनता के दर्द को यदि कोई समझता है तो उसका नाम है एनडीए सरकार और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मुझे मालूम है नहीं सुनेंगे आप. मैं फिर कह रहा हूं आनंद जी, कीमत नियंत्रण कोष की स्थापना किसने की? किसने करोड़ों रुपए की व्यवस्था की उसमें? आपने कभी की? मैं आपके भी आंकड़े लेकर आया हूं सुनाने के लिए. 20 सितंबर 2013 को इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट छपी थी. उस रिपोर्ट के अनुसार 10 सालों में, आपके 10 सालों में खाने पीने की 2.5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई थी. आज उतनी वृद्धि नहीं है, नियंत्रण में है. मैं आपको रिपोर्ट अब फिर दे, थोड़ा आप बोलिएगा ना, मेरा सुन लीजिए. मैं रिकॉर्ड के आधार पे बात करता हूं. मैं कभी जुमलेबाजी नहीं करता, मैं नारे नहीं लगाता. आपकी रिपोर्ट कहती है कि यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में महंगाई में आम आदमी को पस्त करके रख दिया था. आंकड़े जो कहानी बयान करते हैं उसके चौंकाने वाले हैं. सुन लीजिए, देश में सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि कब हुई थी? 350% आपके जमाने में वृद्धि हुई थी. हमारे जमाने में यह वृद्धि नहीं हुई है, यह आप नोट कर लीजिए, 350%. दूसरा, 2004 से लेकर, अरे सुन तो लीजिए, दाल का भी भाव बता रहा हूं, दाल का भी भाव सुना हूं. 2004 से लेकर 2013 तक प्याज की कीमत की बढ़ोतरी सुनेंगे आप? सुनेंगे? सदन सुन लीजिए, 521% प्याज के दाम बढ़ाए थे आपकी सरकार ने 10 साल में. आप किसको कह रहे हो? जो नियंत्रण नहीं कर पाया जिसके कारण सरकार चली गई. अरे हम महंगाई, आपको लग रहा है क्या हुआ महाराष्ट्र में, क्या हुआ झारखंड में, क्या हुआ अभी अभी आसाम में? जनता को मूर्ख मत बनाइए. महंगाई के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना बंद करिए. आप अपने गरेबान में झांक कर देखिए कि आपने क्या किया है.
गरीब परिवारों को कई सब्जियां को अपने खाने से हटाना पड़ता है। 2009 के बाद तो आप हमको दाल की कीमत बता रहे हैं, अब दालों की मिस्टर क्या सुन लीजिए, सुन लीजिए, एड्रेस द चेयर, लुक एट द चेयर, डोंट लुक एट देम। नहीं आप मेरी गाड़ी वाहन चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दाल की दालों की कीमत तेजी से बढ़ी, और चूंकि दाल यू कैन रिप्लाई व्हेन योर चांस कम्स, यू कैन रिप्लाई व्हेन योर चांस कम्स, नाउ यू एड्रेस अ चेयर, मेरा समय नोट करिए। नहीं आप बोलिए, मैं क्या बोलूं, जब आप बोलिए, रिकॉर्ड में है, मैं सुनते हैं, अरे सुनिए, बोलिए, मैं दूध, मैं आनंद जी दूध की बैठिए बैठिए, आज की बात बढ़ूंगा, दूध की प्रभा जो एड्रेस अच्छा है सर, सर मैं आपको ही कह रहा हूँ सर, दूध कंटिन्यू टू टॉक, एड्रेस अच्छा है, 129% बढ़ गई थी, और अंडा जिसको आप अंडा कहते हो वो अंडा 124% कीमत बढ़ गया था। कितना बड़ा मजाक किया था आपने, मैं किन किन चीजों की बात कहूं आपसे और सुनना चाहते हैं आप। मोदी सरकार के दौरान जून 2016 में उपभोक्ता मूल्य की सूचकांक 5.77 रहा, जबकि नवंबर 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब यह 11.16 थी। ये मैं नहीं, ये सरकारी आंकड़े हैं, आरटीआई से और सदन से निकलवा सकते हैं आप। किसको कह रहे हैं महंगाई बढ़ने की बात? दूसरी सुनिए आप, विप्लव जी थोड़ा सा विप्लव नॉट परमिटेड सिट डाउन, यू एड्रेस, यह भी तब जब एड्रेस है चेयर, और यह स्थिति कब बनी है 5.75 पर, जब दो साल से आजादी के बाद लगातार दो साल तक सूखा बहुत कम भार पड़ा है, इस बार दो साल, आप ही ने कहा, अभी रजनी बहन ने कहा कि सूखा पड़ा है, और ये सूखे के बाद भी महंगाई पर नियंत्रण की गई है। इतना ही नहीं, गौरतलब है कि आजादी के बाद सिर्फ दो बार 1965 और 66 में और 1986 और 87 में सूखा पड़ा था, इस बार अब की सूखा पड़ा है, उसके बाद भी। ऐसे में यह कहना कि खाद्य महंगाई बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि यह सरकार के साथ राजनीतिक बदला लेने की बात है, यह जनता की आवाज नहीं है। जनता से पूछिए चावल क्या भाव है, गेहूं क्या भाव है, आटा क्या भाव है, तेल के क्या भाव है, केरोसिन के क्या भाव है। मैं चुनौती देता हूं, क्या इसके दाम बढ़े हैं? आप दाल की बात करते हैं, खाद और डीजल पेट्रोल में नहीं जाता मैं आपको दाल की बात बताता हूं। सरकार ने दाल की महंगाई कम करने के लिए दाल का बफर स्टॉक 8 लाख टन से बजाय क्या किया है, 20 लाख टन किया है, आपकी सरकार ने नहीं किया था। इतना ही नहीं किया है, अब तक सरकार ने 2017 में, सुनिए सर सुनिए, प्लीज उपसभापति अब तक सरकार ने 2016-17 में 1.19 लाख टन दाल खरीदा और जनता को उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। इसे राज्य सरकारों को 120 रुपए किलो से सब्सिडाइज रेट पर बांटने के लिए कहा गया है, और अनेक राज्य सरकारों ने इसकी शुरुआत की है। आप किसकी बात कर रहे हैं? सरकार ने राज्यों द्वारा 120 रुपए की प्रति किलोग्राम की खुदरा मूल्य तक दालों के वितरण की पूरी व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, राज्य को अरहर दाल 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एवं उड़द दाल 82 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आवंटित की जा रही है, और उन्हें कहा गया है कि इसको कम दाम में बेचो। हमारी नियत पर मत जाइए, हमारी नियत इतनी साफ है। अभी आपने कहा कि बदल रहा है, अरे बदल रहा है तब 44 पर आ गए, जनादेश मिला आपको। 10 साल तक आपने खून चूसा जनता का, 10 साल तक आपने जनता को गुमराह किया, 10 साल तक आपने जनता को बदनाम किया,
10 साल तक आपने महंगाई की आग में झोंका और उसके बाद आप सफाई दे रहे हैं। आप किस बात की सफाई दे रहे हैं? आप बैठिए बैठिए आप बैठिए 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 यू कैन रिप्लाई व्हेन योर चांस कम। और सुनिए, और उपसभापति महोदय अभी बौखलाएंगे और बौखलाएंगे। 10,000 मेट्रिक टन जो दालों के अर्थात 8,000 मेट्रिक टन एक मिनट सर 8,000 मेट्रिक टन अरहर एवं 2,000 मेट्रिक टन उड़द के लिए राज्यों को 24.4 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। बताए कोई राज्य की नहीं दी गई है? क्या बात करते हो आप, झूठ बोलने की। उपसभापति महोदय जी, देश को 7 साल तक गुमराह करने वाले जब उस तरफ बैठ गए हैं तो चिल्लाहट मच रही है, हाहाकार मची हुई है। एक इनके नेता धरना पर बैठे, 1 घंटे बैठे, अब एसी की तो आदत छुट्टी नहीं है, अरे बहुत आईसीयू में भर्ती हो गए महंगाई वाले। ये हालत है इनकी। संघर्ष का मादा बचा नहीं है, देश को गुमराह मत करिए। महंगाई पर नियंत्रण कर रहे हैं और महंगाई पर नियंत्रण करेंगे 2019 में भी। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।